हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं जूही और चेरी का खाना बनाने जा रहा हूँ। ये सब्जी है, सब्जी और ये एग। इस एग को मैं छीलूंगा। इस एग को आप देख सकते हैं मैं छील रहा हूँ। इसको मैं छीलने के बाद, ये भी बहुत गर्म है। डॉग को तो वैसे नमक की चीजें नहीं देनी चाहिए, पर क्या करें, उन्हें घर का भी खाना हल्का हल्का खिलाना चाहिए। ये लो बजट के जो डॉग लवर हैं या जो शौकीन अपने यहाँ रखते हैं वो उनके लिए अच्छा होता है। ये दूसरा अंडा आप देख सकते हैं, मुझे इसी में दो लोगों का खाना बनाना है, चेरी का भी और जूली का भी। ये जल बहुत तेजी से रहा, अभी गर्म है ये, इसलिए मुझे छीलने में दिक्कत हो रही है। आप देख सकते हैं डॉग को एक देना बहुत ही फायदेमंद होता है। मैंने हफ्ते में ज्यादा दिन तो नहीं, 3 दिन पर एग देता हूँ। इससे उनकी ग्रोथ में दिक्कत नहीं, और डॉग को हमेशा खाना बदल बदल के ही देना चाहिए। ये तीसरा अंडा। अब मैं ये रोटी आप देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रोटियां हैं। इन्हें मैं छोटे छोटे पीस में तोड़ लेता हूँ। छोटे छोटे पीस में एक तो मेरी डॉग ये है, आप देख सकते हैं, जो सोच रही है कि मुझे कितना जल्दी खाना मिले। और दूसरी डॉग अभी मेरी बाहर बांधी हुई है, और मैं धीरे धीरे अभी से इसमें सान लेता हूँ। मेरा एक देने का मतलब यही है कि वो खाने को ऐसे अच्छे से खाएंगे। हालांकि वो सब्जी रोटी भी खा लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर मैं उन्हें 2 टाइम खाना रूटीन का देता हूँ। मैं शाम को पेडिग्री नहीं देता। शाम को पेडिग्री देने का मेरा खास मतलब ये है नहीं है कि उन्हें पेडिग्री बराबर देने से वो पेडिग्री नहीं खाते, और डॉग को हमेशा एक ही खाना नहीं देना चाहिए, इससे उनका मन भर जाता है और वो बोरियस महसूस करते हैं। इसलिए डॉग को हमेशा बदल बदल के खाना देना चाहिए। आप देख सकते हैं अभी ये मेरा खाना पूरा तैयार है, ये जूली का खाना, जूली का खाना। ये जूली का खाना, ये चेरी का खाना। जूली कम, जूली देख रहे हैं, जूली खा रही है इस समय, और वो इस खाने को एकदम आराम से पेट भर खा लेगी। और इसे खाने में वो नहीं तो उसे मैं अगर पेट गिरी देता तो ये दिक्कत करती है, नहीं भी खाती। और इसको खाना बदल बदल देने से एक फायदा है, डॉग को हमेशा खाना बदल के इसलिए देना चाहिए कि वो भी कभी अपने खाने से गुस्सा नहीं होता है। जैसे इंसान होता है कि हफ्ते में कुछ ना कुछ बदल बदल के खाता है, कभी रोल खाता है, कभी चिकन खाता है। संडे को दिन तो ऑलमोस्ट सभी घरों में चिकन ही बनता है, इसलिए मैं भी अपने डॉग को फैमिली की तरह मानता हूँ और इन्हें हमेशा बदल बदल के खाना देता हूँ। इससे ये फायदा रहता है, तो ये आसानी से खा लेते हैं। ये देख रहे हैं जूली, जूली भी खा रही है। अभी मुझे जस्ट चेरी का भी खाना तैयार कर लिया हूँ, चेरी को बस खाना देना है मुझे। और मैं दोनों इन दोनों को खाना देने के बाद आधे घंटा तक घुमाता हूँ, टहलाता हूँ, जिससे ये आराम से खाने को पचा ले और घूम भी इधर उधर सके। डॉग को हमेशा
ऐसे ही उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। इस व्यवहार से ये होता है कि वो आपके साथ घुल मिल के रहते हैं, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होता है। कितने लोग होते हैं डॉग को बांध के रखते हैं, आप देख सकते हैं सुबह का खाना बचा है नहीं खाए हैं, क्योंकि उन्हें ये खाना बार बार खाते खाते अच्छा नहीं लगता, इसलिए इन्हें हमेशा बदल के खाना देता हूँ मैं। आप देख सकते हैं चेरी कितना परेशान है खाना खाने के लिए, देख सकते हैं ना। अब यह चेरी का खाना, चेरी चेरी जूली तो अपनी खा चुकी है खाना, पर वो परेशान है क्योंकि मैंने इतना अच्छा आइटम बनाया था कि वो उतने में उसका पेट लग रहा नहीं होता है, इसलिए खाने के लिए वो परेशान है। और ये चेरी, चेरी का मैं खाना तैयार कर के दे चुका हूँ, चेरी खा रही है। अब मैं इन्हें थोड़ी देर के लिए घुमाऊंगा कि उससे इनके, इसके बाद वो थोड़ा सा घूम लेंगे तो इनके साथ अच्छा होगा, क्योंकि डॉग को हमेशा बांध के तो नहीं है रखना चाहिए। इस घूमने फिरने से ये रहता है कि वो अपने आदत को थोड़ा सुधार करते हैं। अगर वो घर और में लाइटिंग भी करते हैं तो उसको बाहर जाके करते हैं, ये फायदे हैं, इसलिए हमेशा डॉग को बांध के नहीं रखना चाहिए। मैं कितने भी डॉग लवर हैं